हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के कहने पर अपना न्यू ब्लाउज कलेक्शन आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ अपना ये वाला ब्लाउज। तो देखिए आप मेरा ये वाला देखिए, और ये इतना ज़्यादा प्यारा ब्लाउज है। मैंने एक कम्युनिटी पर पोस्ट की थी, ये मैंने मरून साड़ी के ऊपर वेयर किया था। तो इसके लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए थे कि मैम आपने ये वाला ब्लाउज कहाँ से लिया है, इसका जो डिज़ाइन है बहुत ज़्यादा प्यारा है, तो इसका लिंक दीजिए। तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ, ये मैंने ऑनलाइन नहीं मंगाया, इसका मैंने कपड़ा लिया था। ठीक है, तो ये जो फैब्रिक है ना, हमारे यहाँ पे बहुत सारी ऐसी शॉप हैं जहाँ पे मिल जाता है, हर वैरायटी में मिल जाता है। तो वहीं से मैं लेके आई थी अपने लोकल मार्केट से। और इसके ऊपर इसे हम ना नेट भी नहीं बोलेंगे, नेट होता है एकदम जालीदार होता है। इसमें क्या, ये थोड़ा सा मोटा है, ठीक है, नेट से, और बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है। यहाँ पे इस तरीके से जो ये सितारा लगा हुआ है, ये इसकी डिज़ाइन बनी हुई है। एक तो ये इस कलर में लगा हुआ है, ये स्किन कलर ही बोलेंगे, और ब्लैक कलर में, ये देखिए। तो इससे क्या है, इसकी जो डिज़ाइन है बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। तो देखिए इसे मैं कौन कौन सी साड़ी ऊपर वेयर करती हूँ। इसे ब्लैक साड़ी है तो उसके ऊपर भी बहुत ही अच्छा जाएगा। अगर आपके पास गोल्डन कलर की साड़ी है उसके ऊपर बहुत ही अच्छा जाएगा, और अगर आपके पास मरून कलर की कोई साड़ी है उसके ऊपर भी बहुत ही अच्छा जाएगा। और जो आज मैंने रेड कलर की साड़ी पहनी हुई है, अगर मैं इसके साथ भी इसे वेयर करूँगी तो इसके साथ भी बहुत ही अच्छे से जाएगा। ठीक है, तो ये ब्लाउज मैंने ऑनलाइन नहीं मंगाया। ये अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना सेकंड ब्लाउज। तो देखिए यहाँ पे है ये पिंक कलर का ब्लाउज, जो बहुत 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 ज़्यादा प्यारा है। इसकी जो स्लीव्स हैं आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस तरीके से छोटी छोटी फ्रिल टाइप में बनी हुई है, और इसे कौन सी स्लीव्स बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो देखिए इस तरीके से, लेकिन पहनने के बाद ये बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। इसका जो मटेरियल है काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि चुभने वाला हो। आप इसे पहनो तो आपको इसे पहनने के बाद चुभन हो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ये देखिए। और आपको मैं एक आइडिया और देती हूँ, इसका मैं बैक साइड आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए बैक साइड में यहाँ से इस तरीके से है, और हुक लगे हुए हैं पीछे। ये इसका गला है, इसमें मैंने एक ही मतलब पाइपिंग जैसे कि डोरी होती है ना, उसको मैंने दोनों तरफ से इस तरीके से इसमें सेट करा दिया, जिससे क्या ना डोरी अलग से मुझे किसी किसी ब्लाउज में अच्छी नहीं लगती, तो मैं इस तरीके से करा लेती हूँ, जिससे क्या इसका बैलेंस बना रहे गले का, और पीछे से फिटिंग अच्छी रहे इसलिए। और आपको मैं एक आइडिया देती हूँ, अगर आप मीशो से या फिर फ्लिपकार्ट से कहीं से भी कोई भी ब्लाउज देखते हो और आपको पसंद आ जाता है, कई बार उन ब्लाउजों में क्या होता है, हमें उनकी जो फिटिंग होती है ना बिल्कुल भी ठीक नहीं आती, या तो उन और फिर किसी किसी ब्लाउज में तो मार्जिन भी नहीं होता जिससे हम उन्हें खुद से ठीक कर लें, तो ऐसा होता है। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, डिज़ाइन वहाँ पर देख लेती हूँ कि कौन सी डिज़ाइन किस टाइप के मतलब ब्लाउज अभी ट्रेंड में है, तो उस तरीके से उसकी मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। लेने के बाद जो मुझे पसंद आता है उसका फैब्रिक पसंद आता है, और आजकल मार्केट में हर तरह का फैब्रिक आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से लाके और स्क्रीनशॉट लेके आप अपने टेलर को बोलिए कि मुझे बिल्कुल ऐसा ब्लाउज चाहिए, तो वो उसी तरीके का ब्लाउज आपको सिल के दे देते हैं, और मैं भी ऐसा ही करती हूँ। ये देखिए आपको मिल जाएगा ये भी कहीं ना कहीं देखने को फ्लिपकार्ट पे या फिर मीशो वगैरह पे। तो मैंने भी वहीं से किसी ऐप से देखा था, ये देखने के बाद स्क्रीनशॉट लेके तो मैंने इसे टेलर से बनवाया है। बस मैंने इसमें क्या चेंजिंग की है, पीछे जो ये डोरी थी ना, जो डोरी लगी रहती है, इसको दोनों साइड से टक करा दिया, जिससे जो इसकी फिटिंग है अच्छी बनी रहे, ठीक है ना। तो ये है, और ये भी आपकी गोल्डन साड़ी पे भी बहुत ही अच्छा जाएगा। पिंक साड़ी, अगर प्लेन कोई भी पिंक साड़ी है उस पर अच्छा जाएगा, नेट की कोई पिंक साड़ी है उस पर भी बहुत ही अच्छा जाएगा, और आप इसे अपने हिसाब से किसी भी तरीके से पहन सकते हो। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना थर्ड ब्लाउज। तो देखिए ये वाला, ये है ब्लू कलर में, और ये है नेट। नेट में ये जो फ्लावर बने हुए हैं ना, ये डिज़ाइन बनी हुई है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बिल्कुल भी चुभने वाला नहीं है। ये भी मैंने अपने लोकल मार्केट से लिया था, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। अगर आप ऐसा ब्लाउज सिलाना चाहते हो तो आप ऐसा नेट का कोई भी फैब्रिक लेके, और ये ब्लाउज भी फ्रंट से ओपन होगा, और मैंने यहाँ पे हुक लगवाए हुए हैं, पैडेड ब्लाउज है ये भी, और अंदर की साइड मैंने अस्तर लगवाया है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको बाजू पे बिल्कुल भी ना लगवाएं, क्योंकि इसका जो लुक है बिल्कुल चेंज हो जाता है, अच्छा नहीं आता इसलिए। और इसका जो गला है मैंने बहुत ज़्यादा डीप नहीं रखा, अपने हिसाब से ही करवाया है, और इसमें गले को थोड़ा सा बैलेंस रखने के लिए यहाँ पे मैंने ये डोरी, एक ही सिंगल डोरी इसमें लगवाई है। अगर आप चाहते हो तो इसमें कोई भी फैंसी जो मोती आते हैं ना वो भी इसके अंदर डलवा सकते हो, तो और ज़्यादा प्यारा लुक हो जाता है। और इसकी जो डिज़ाइन है ना, ये भी मैंने कहीं से देखी थी, उसके बाद मैंने स्क्रीनशॉट लिया, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर मैंने टेलर को बताया कि मुझे ऐसा ब्लाउज चाहिए, तो उन्होंने वैसा ही मतलब मुझे सिल के दिया। तो देखिए इसकी जो स्लीव्स हैं, यहाँ पे मैंने ये मोटे मोटे जो मोती होते हैं ना, ये वाइट कलर के मोती हैं, ये मैंने लगवाए। इसे पहनने के बाद बहुत ज़्यादा प्यारा लुक आ रहा है,
और ये जो मोती है ना बिल्कुल भी चुभने वाले नहीं है। अभी जो गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में क्या होता है, ऐसे ब्लाउज पहनने का दिल नहीं करता, लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी या फिर चुभन होगी, तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जो ये मोती है ना स्किन पे लगता है ना तो एकदम ठंडा ठंडा लगता है, बिल्कुल भी गर्म नहीं होता, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसका जो गला है बैक साइड से इसकी जो डिज़ाइन है ऐसी है, पहले मैं इसकी हुक बंद करती हूँ तभी आपको समझ में आएगी इसकी डिज़ाइन। देखिए इसकी जो बैक साइड से डिज़ाइन है आपको कुछ ऐसी मिलेगी, और ये पहनने के बाद इसकी फिटिंग आएगी, बहुत ही प्यारी सी फिटिंग आएगी, ये देखिए इस तरीके से। इसके साथ मेरी एक साड़ी भी है जो टाइम आने पर कभी मैं पहनूंगी तो आपको दिखाऊंगी कि पहनने के बाद इसका कैसा लुक आता है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना ये वाला ब्लाउज, तो देखिए ये देखिए ये बहुत ज़्यादा सिंपल सा ब्लाउज है, लेकिन पहनने के बाद जो लुक आता है ना बहुत बहुत ज़्यादा प्यारा आता है। इसे पहनने के बाद एकदम सिंपल सोवरन है, इसका जो फैब्रिक है काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, बिल्कुल भी चुभने वाला नहीं है। और अंदर मैंने जो ये अस्तर लगवाया है ना, ये मैंने कॉटन का कपड़ा लेके तो कॉटन का कपड़ा लगवाया था। अस्तर भी दो टाइप के आते हैं, आपने देखा होगा, एक तो आता है थोड़ा सा सिल्की सा, एक आता है कॉटन का। तो गर्मियों के लिए कॉटन का सबसे अच्छा होता है क्योंकि इसमें ना तो गर्मी लगती ना ही कपड़ा चुभता है। तो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट इसका कपड़ा है, ये कपड़ा है जो ये भी मैंने अपने लोकल मार्केट से लिया था और टेलर को फिर देके मैंने ये सिलवाया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना ये वाला ब्लाउज, तो देखिए ये भी मेरा पिंक कलर का ब्लाउज है, ये देखिए इसकी भी मैंने बोटनेक बनवाई है। अब देखिए जो ये वाली आप ये बॉर्डर देख रहे हो ना, ये जो मैंने फ्रंट पर लगवाया है इस तरीके से, फ्रंट पर ऐसे इसका गला आएगा जब मैं पहनूंगी। और ये बैक साइड के लिए था, लेकिन मैंने टेलर से बात करके इसे बैक साइड पे ना लगवा के इसको मैंने गले पे लगवाया, ठीक है। और ये इसकी स्लीव्स हैं, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी कटिंग वाली जो डिज़ाइन चल रही है ना, यहाँ पे इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर कट होता है जो शोल्डर पर, ये देखिए ये मैंने इसमें निकलवाई है, पहनने के बाद बहुत अच्छी लग रही है। और ये इसका बैक साइड है, देखिए अगर आपको सिलवाना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको आसानी होगी इस तरीके से। और यहाँ पे जो नीचे की साइड मैंने लगवाई है डोरी, ये देखिए ये डोरी मैंने लगवाई है, साथ में डोरी के साथ में यहाँ पे मैंने ये ना यहाँ पे इस तरीके से डोरी से बंद होगा तो ये वी शेप में इसका गला आएगा इसका। तो यहाँ पे जो मैंने डोरी लगवाई है ना, अगर आप ऐसा ब्लाउज सिलाना चाहते हो तो आपको एक मैं सजेस्ट करूँगी एक चीज़ के लिए, यहाँ पे आप हुक जरूर लगवाएं। ये मैंने अलग से टेलर से कह के यहाँ पे हुक लगवाएं, कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारी जो डोरी है हम मतलब कंफर्टेबल नहीं होते या फिर डोरी बाई चांस खुल जाए, तो इसलिए आपका बहुत ही अच्छे से सपोर्ट करेगा, यहाँ पे हुक आपका बंद हो जाएगा, उसके बाद आप डोरी को अच्छे से अपने लुक के लिए तो डोरी बंद कर लें। और अगर आप थोड़ी सी हेल्दी हो तो ये वाली जो डिज़ाइन है ना बाजू की बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, और अगर आप थोड़े से दुबले पतले हो तो आप इसे अवॉइड करें, ना बनवाएं। और इसमें मेरे से एक गलती हुई थी, वो कहाँ पे हुई है मैं आपको बता देती हूँ। देखिए मैंने इस ब्लाउज में पैड नहीं डलवाए, तो ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मुझे बाद में ध्यान आया कि मैंने टेलर को नहीं बोला कि इसमें पैड डालने हैं, तो उन्होंने बोला अब नहीं हो सकता क्योंकि अब इसकी कटिंग हो चुकी है। तो अगर आप ये वाला गला बनवाते हो पीछे की साइड से वी गला और इसमें ऐसी डोरी लगवाते हो तो आपको इसको इसमें ब्लाउज में मतलब पैड जरूर डलवाने चाहिए, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल रहता है। इसकी जो स्लीव्स हैं ये देखिए, इसका जो कपड़ा है काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है और एकदम सिल्की सा कपड़ा है। और यहाँ पे जो आप गोल्डन कलर की देख रहे हो ना, ये इसमें डॉट डॉट लगी हुई है, यहाँ गोल्डन कलर की इसमें पाइपिंग लगी हुई है ब्लाउज में, गोल्डन कलर की आपको पीछे डोरी मिल जाएगी। इसका जो गला है गोल गला है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, नीचे इसमें बॉर्डर लगा हुआ है, ये गोल्डन मतलब लेस लगी हुई है इसमें नीचे की साइड, और ये सिंपल सा ब्लाउज है। लेकिन पहनने के बाद इस ये ब्लाउज भी ऐसा है ना, इसे हम किसी भी साड़ी के ऊपर वेयर कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, सिंपल सा ब्लाउज है, ठीक है। और एक है मेरे पास ये वाला ब्लाउज, फ्रंट से ही ओपन होगा इस तरीके से। ये मेरी एक साड़ी थी, उसके साथ में दो ब्लाउज आए थे एक साड़ी के साथ में, तो एक तो सिंपल सा था और वो मैंने नहीं सिलाया क्योंकि उसका कपड़ा मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। इसका जो कपड़ा था ये थोड़ा सा कॉटन टाइप में था, और इसकी जो डिज़ाइन थी ये भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। ये मैंने बोटनेक बनवाया है और इसके जो हुक हैं वो भी फ्रंट में लगे हुए हैं, ये 3/4 है। और यहाँ पे इसकी जो बैक है ये देखिए, इसमें यहाँ पे मैंने छोटा सा प्यारा सा ये वाली डिज़ाइन लगवाई है, ज़्यादा बड़ी नहीं एकदम छोटी सी। इसका जो ब्लाउज है एकदम सिंपल सोवरन है, लेकिन गर्मियों के लिए बहुत ही अच्छा ब्लाउज है, ये देखिए। इसे पहनने के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें जो मैंने अस्तर लगवाया है ये भी मैंने कॉटन का ही लगवाया है, क्योंकि कॉटन का जो अस्तर होता है ना इसे हम गर्मी में आराम से पहन सकते हैं, हमें बिल्कुल भी चुभन नहीं होती इसलिए। तो इसको अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना ये वाला ब्लाउज, तो देखिए ये वाला कैसा लग रहा है, एकदम सिंपल है, इसमें कोई डिजाइन नहीं, बस बाजू में थोड़ी सी ये वाली डिजाइन लगी हुई है। बाजू है 3/4 है और फ्रंट से ही ओपन होगा, कॉटन फैब्रिक में है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। तो ये मैंने आप सभी के साथ अपना न्यू ब्लाउज कलेक्शन शेयर किया है, जो आप सभी के कहने पर किया है।
अगर आप इनमें से कोई भी डिज़ाइन आपको पसंद आती है जैसे मैंने आपको दिखाए हैं, तो उसी तरीके से आप स्क्रीनशॉट लेके और अपने टेलर को दिखा के आप इन्हें सिला सकते हो, अगर पसंद आए तो, नहीं आए तो कोई बात नहीं। आई होप आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई हो। अगर आज की वीडियो, आज की ब्लाउज कलेक्शन आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके जाना। अब आपसे मुलाकात होगी कल, यानी कि नई वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।